أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقات من نبئين شفيع مذنبين النبي المؤيد ورسول المصدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है, क़ुरान मजीद की सूरे अल हुजरात की 13वीं आयत कि जिसमें इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ऐ इंसान, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से खल्क किया है और तुम्हें शाखें और कबीले करार दिए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में सबसे ज़्यादा मोतबर खुदा के नज़दीक वो है कि जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, खुदा अलीम और कबीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी आयत के ज़ेरे रोशनी पहली मुहर्रम से हमारी गुफ्तगू जारी है। खुदावंद करीम ने इस आयत के हवाले से इस बात को वाज़े कर दिया है कि मुआशरे की तश्कील मर्द और औरत दोनों से हुई है। दुनिया अगर आगे बढ़ी है तो मर्द और औरत के साथ, और खुदा ने यह भी बात वाज़े कर दी है कि खुदा के नज़दीक वही इंसान सबसे ज़्यादा मोतबर है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का ऐलान हो चुका है, बंदों का यह फरीज़ा है कि वो अपने खुदा की इताअत में अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि उससे ज़्यादा करीब हो सके। तख्वे का मतलब ये है कि इंसान हर वो काम करे कि जिससे उसका खुदा राज़ी हो जाए, हर वो अहकाम जो खुदा ने उस पर नाफिस किया है, वाजिब किया है, उसे खुदा की खुशनूदगी के लिए बजा लाए, और हर वो चीज़ कि जिसकी खुदा ने उसे मनाही की है उससे परहेज़ किया जाए। हर मोमिन और मोमिना की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने खुदा के हुक्म के ताबे ज़िंदगी को गुजारें। हिजाब एक ऐसा वाजिब हुक्म शरई है कि जिसे खुदावंद करीम ने अपने बंदों पर वाजिब किया है। अब जहाँ लड़का या लड़की बालिग हो गए तो उन पर हुक्म शरई भी नाफिज हो गई। अब अगर लड़की 9 साल की हो गई है तो ये हमारा फरीज़ा है कि हम अपनी लड़कियों को बाहिजाब रखें। हिजाब के ऐसा मसला है कि आज दुनिया दीन इस्लाम पर उंगली उठाती है, नऊज़ु बिल्लाह तोहमत लगाती है कि दीन इस्लाम ने औरत को चार दीवारी में क़ैद करके रख दिया है या औरत के हुकूक़ को पस्त कर दिया है, औरत की आज़ादी को छीन लिया है। मगर हकीकत तो ये है कि दीन इस्लाम
इंसान की फितरत के ताबे है। खुदावंद करीम हमारा खालिक है, उसने अपने बंदों को जहां खल्क किया है तो बंदों के हिसाब से उनकी फितरी एतबार से उन पर अहकाम शरई भी नाफिज किए हैं। परवरदिगार आलम ने न सिर्फ उम्मत मुहम्मदी पर बल्कि गुज़िश्ता उम्मतों पर भी हिजाब को वाजिब किया है। आज जो दूसरे मजहब के मानने वाले दीन इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, हकीकत तो ये है कि हर आसमानी किताब का मानने वाले पर उस ज़माने के लोगों पर हिजाब वाजिब था। तारीख लिखती है कि जहाँ कदीम जो असली तौरात और असली इंजील खुदा की जानिब से नाजिल हुई आज इन्हराफ हो चुका है, जो असली आसमानी किताब थी तो उसमें हुक्म हिजाब मौजूद का तौरात में जनाब इसहाक का जिक्र है कि जहाँ आप अपने घर से बाहर शाम में टहलने निकले हैं, काफिले को आते हुए देखा है तो वहाँ आपकी होने वाली जौजा जिनका नाम रफ़का है या इंग्लिश में रबीका है, आपने जब इनको देखा तो फौरन उन्होंने अपने सर पर हिजाब डाला, चादर को डालकर अपने चेहरे को ढांक लिया। अब बाइबल की तरफ चलिए, यानी जो इंजील खुदा की जानिब से नाजिल हुई, हत्ता कि आज भी जो मौजूद है, इसमें ये जुमले कि हमारे माहरीन उलमा इकराम ने किताब में इस बात को नकल किया, कहा कि बाइबल में एक आयत ऐसी है कि जहाँ कहा गया कि वो कहते तुमसे ये कहा गया है कि तुम औरतों की जानिब ना देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि औरतों के बुरखे की जानिब ना देखो। इससे दो चीज़ें साबित होती हैं, एक तो ये कि मर्दों के लिए भी हिजाब का जिक्र इंजील में मौजूद है और औरतों के लिए भी हिजाब का जिक्र मौजूद है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले कि आज भी जब मरियम मुकद्दस का ख्याली तस्वीर किसी ने बनाई, आज भी कई चर्चेज में जहाँ उनकी तस्वीर लगाई गई तो हमने देखा कि मरियम मुकद्दस को बाहिजाब बनाकर दिखाया गया। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ उम्मत मुहम्मदी पर ये हुक्म वाजिब नहीं हुआ बल्कि इब्तदाए इंसानियत से खुदा का निज़ाम हर इंसान के लिए आम था। खुदावंद करीम ने यहाँ इस्लाम में हिजाब को वाजिब किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि औरतों के हुकूक को पस्त कर दिया हो या मर्दों की दुनिया औरतों की दुनिया से मुख्तलिफ हो। ज़रूरत तो ये है और हकीकत तो ये है कि मुआशरी एतबार से सोशल लाइफ में मर्द और औरत एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कई मसाइल को तय करते हैं। ऐसे कई मवाकिफ होते हैं कि जहाँ एक दूसरे से मेल झोल ज़रूरी होता है। हिजाब इनके दायरे को पस्त नहीं करता बल्कि इस्लामी निज़ाम उन्हें देता है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा वो एक दूसरे से मेल झोल ना रखें। गैर शरई मेल झोल से परहेज़ के लिए हिजाब की हुदूद खुदा ने हमारे लिए मुअय्यन की है। कतान ये नहीं है कि ये हिजाब हमारे लिए पस्ती का बायस बन जाए। और जहाँ खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में हिजाब का जिक्र किया, औरतों के हिजाब का जिक्र करने से पहले माबूद हकीकी ने मर्दों के हिजाब का जिक्र किया। सूरह नूर की आयत में परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मर्दों का जिक्र किया, कहा कि ऐ पैगंबर मोमिनीन से ये कह देना कि अपने निगाहों को नीचे कर ले, अपने शर्म को छुपा ले, उसकी हिफाजत करे कि ये इनके लिए पाकीज़ा बात है कि खुदा इनके कारोबार से वाकिफ है। सुभान अल्लाह, यानी बात वाज़े हो गई कि सिर्फ हिजाब औरतों के लिए नहीं बल्कि सबसे पहला हुक्म मर्दों के लिए आया कि इनकी निगाहों को नीची कर लिए जाए। तारीख लिखती है
कि अबू सईद खुदरी ये लिखते हैं कि आखा नामदार ने ये हुक्म दिया कि लोग चौराहों पर फुटपाथों पर बैठने से परहेज करें। अब लोग फरियाद लेकर आए, कहा या रसूल अल्लाह, हमारे पास इसके सिवा कोई चारागार नहीं है कि हम अपने आपसी मसाइल को तय करें, आपस में मिलजुल कर हम वहीं सड़कों पर मुलाकात करते हैं और कई मसाइल का हल करते हैं। तो आखा ने कहा कि अगर ऐसी बात है, अगर फुटपाथ पर खड़े रहना ज़रूरी है, तो पहले सड़कों का चौराहों का हक़ अदा करो। सहाबियों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बताइए चौराहे का हुक्म क्या है, उसका हक़ क्या है? तो आखा इनामदार फरमाते हैं कि चौराहे का हक़ ये है, यानी फुटपाथ का हक़ ये है कि सबसे पहले तो तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो, किसी को ईज़ा न पहुंचाओ, सलाम का जवाब दो, लोगों को नेकी की दावत दो और बुराइयों से रोको। क़ुरबान जाएं हमारी जानें इस दीन हक़ पर कि बिल्कुल प्रैक्टिकल मज़हब है, इंसान के फितरत के ताबे दीन है। तारीख लिखती है कि एक वो वक्त भी था कि जब रसूल अल्लाह की बारगाह में कबीला एक कतीम से एक औरत आई है और कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे ये फला मसला आ गया है। अब रसूल अल्लाह के पहलू में एक शख्स बैठे हैं कि जिनका नाम तारीफ में अलफजल लिखा गया, का अलफजल ने उस आने वाली मस्तूरा को गैर मामूली निगाहों से देखा, तो रसूल अल्लाह ने फौरन अपने हाथों से उनकी आँखों को बंद किया और उन्हें सख्ती से इस बात की मनाही की। ख्याल रहे कि रसूल अल्लाह ने आने वाली औरत जो बाहिजाब थी उससे ना कहा, उसे ना टोका, बल्कि पहले जिस शख्स ने गुनाह किया है उसके आँखों पर हाथ रख के रसूल अल्लाह ने उसे सख्त ताकीद की कि ये अमल खुदा के नज़दीक कबूल नहीं है, ये गुनाहान कबीरा है। अब चलिए औरतों के हिजाब की जानिब चलें कि परवरदिगार आलम ने औरतों पर भी हिजाब वाजिब रखा है। जहां मर्दों के लिए आँखों का हिजाब है, वहां औरतों के लिए तबर्रुज से परहेज़ है, यानी अपने जीनत के इजहार से परहेज़ का हुक्म परवरदिगार दे रहा है। परवरदिगार कहता है कि मोमिनीन और मोमिनात से कह देना कि वो अपने निगाहों को नीचे रखें, अपनी इफ़त की हिफाजत करें और अपनी तमाम तबर्रुज से परहेज़ करें, यानी जीनत के इजहार से परहेज़ करें। बात वाज़े हो गई कि खुदावंद करीम एक ऐसा मालिक है कि जिसका अदालत बेमिसाल है। खुदावंद करीम ने अगर इंसान पर कोई अहकाम नाफिस किया है तो उसके कुव्वत से ज़्यादा नहीं। परवरदिगार आलम ने मर्द और औरत के लिए हिजाब बराबर नाफिस किए हैं और हिजाब हमारे लिए हदबंदी नहीं है। दीन इस्लाम ने औरत को चार दीवारी में क़ैद नहीं किया है। अगर हिजाब का कॉन्सेप्ट समझना है तो बस सूरे कसस की जानिब नज़र करें कि जहां परवरदिगार आलम ने दख्तरे शोएब का ज़िक्र किया है। बाकायदा परवरदिगार आलम ने इन चंद आयात में तमाम वाक़े को नक़ल करके हिजाब के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, इसके मफहूम को समझा दिया है कि जहां जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मदायन के उस चश्मे के पर वारिद हुए हैं, चश्मे पर पहुंचे हैं, कुएं पर पहुंचे हैं, कि जहां देखा कि दो औरतें ऐसी हैं जो मस्तूरात ऐसी हैं कि जो अपने जानवर को अलाहदा लेकर खड़ी हैं और बखिया लोग अपने जानवर को पानी पिला रहे हैं। जनाब मूसा को समझ में आ गया कि ये इफ़त की पाकीज़ा बीबियां हैं, उनके करीब गए और अहवाल पुरसी की तो वो कहने लगे कि हमारे बाबा ज़ईफ़ुल उम्र हैं, तो हमारा ये दस्तूर है कि हम अपने जानवरों को ख़ुद यहाँ पर पानी पिलाने के लिए आते हैं, मगर हम इंतज़ार करते हैं ताकि ये कौम अपने जानवर को पानी पिला दे और यहाँ से हट जाए ताकि हम अपने जानवर को पानी पिलाएं। जनाब मूसा ने इनके जानवर को पानी भी पिलाया। अब जो जनाब मूसा आराम करने लगे, मासूम कहते हैं कि अब
जनाबे मूसा की बेटियां वापस लौटी हैं। घर में बाप ने सवाल किया कि बताओ आज ताखीर कैसे हुई। तमाम वाक़े को जाहिर किया गया, बेटियों ने तमाम वाक़या बयान किया। तो उस वक्त जनाब शोएब ने सवाल किया कि बताओ वो नेक बख्त इंसान कहाँ है कि जिन्होंने तुम्हारी मदद की है। फिर जनाब शोएब जो वक्त के नबी हैं अपनी एक बेटी सफूरा को भेज रहे हैं। क़ुरान में बाकायदा इसका ज़िक्र है सूरह कसस में कि जनाब मूसा ने अपनी एक बेटी को भेजा है जो हया के साथ चल कर आई है। जनाब मूसा से मुखातिब हुई है जो उस वक्त दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। ये दुआ भी कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम तेरी जानिब से खैर का मुंतज़िर हूँ। बस ये दुआ ख़त्म ना हुई है कि अभी दख्तरे शोएब जिनका नाम सफूरा लिखा गया मूसा के करीब आती हैं, कहती हैं कि मेरे बाबा ने आपको तलब किया है ताकि आपको उजरत दी जाए। अब यहाँ किस्सा और आगे बढ़ रहा है। अब मासूमीन का इरशाद है, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि यहाँ जनाब मूसा ने इनकी शोएब की दख्तर से कहा कि तुम मेरे आगे ना चलो बल्कि मेरे पीछे चलो। हुआ ये कि जब वो रास्ता दिखा रही थी, हवा तेज़ी से चली, चादर सिमटी, उस वक्त मूसा कहते हैं कि मैं उस जमात से नहीं हूँ कि जो औरत के पुश्त पर निगाह करते हैं। आप मेरे पीछे हो जाइए और पीछे से मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। बस फिर क्या था, तारीख लिखती है कि इन्होंने जनाब मूसा को अपने घर तक छोड़ा। जनाब शोएब ने आपसे मुलाकात भी की, जब आपको एक मोमिन जाना तो अपने घर में मुलाजिमत के लिए रखा और इन्हें रखने के लिए ख़ुद जनाब शोएब की बेटी सफूरा ने कह दिया था, सिफारिश की थी कि ये मोमिन मर्द है तो इन्हें आप मुलाजिमत के लिए रख लें। मुख्तसर ये कि इस तमाम वाक़े से तीन चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले ये कि अगर औरत को मुआशरी एतबार से कोई ज़रूरत है तो वो घर से बाहर भी निकल रही है। जनाब शोएब वक्त के नबी हैं, दो बेटियां घर से बाहर जानवर को लेकर निकल रही हैं। ज़रूरत है माशरी एतबार से घर के बाहर निकली हैं, उस कुएं पर भी कहीं हैं कि जहां लोगों का हुजूम है। मगर फिर खुदावंद करीम ने इरशाद फरमाया है कि इफ़त और इस्मत के दायरे में वो इंतज़ार कर रही हैं, हुजूम में जाकर ना मिली बल्कि इंतज़ार कर रही हैं कि लोग हट जाएं ताकि वो अपने काम को तमाम कर ले। अब फिर दूसरा नुक्ता ये कि जनाब मूसा ने जब आप जनाब शोएब की बेटी सफूरा को अपने घर लौटाया है तो उस वक्त आपके पीछे नहीं चले बल्कि उनसे कहा कि आप उन्हें रास्ता दिखाएं कि जहां जनाब मूसा के ज़रिए से खुदावंद करीम मर्दों की आंखों का हिजाब का ज़िक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर तीसरा नुक्ते नज़र कि एक वक्त के नबी हैं जनाब शोएब की, जिन्होंने दूसरी मर्तबा अपनी एक बेटी को तन्हा भेजा है एक गैर नामहरम मर्द से गुफ्तगू करने के लिए। और खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में साफ अल्फाजों में लिखा कि यहाँ शोएब की बेटी हया के साथ चलकर जनाब मूसा के पास आई हैं और कहती हैं कि मेरे बाबा ने आपको तलब किया। यानी ये अंदाज भी बता दिया कि अगर एक औरत किसी नामहरम से बात करे तो हया और इफ़त के दायरे में रहते हुए। सुभान अल्लाह। देखिए बात वाज़े हो गई कि दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो प्रैक्टिकल मज़हब है। हिजाब हमारे लिए हदबंदी नहीं है, हमारे हुकूक़ को पस्त नहीं करता बल्कि औरत का वक़ार को बुलंद करता है। आखा इनामदार कहते हैं कि औरतों की खूबसूरती की ज़कात हिजाब है। ये बात साबित है कि हर ऐरी गैरी चीज़ पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होती बल्कि बेश कीमती चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। गोया खुदा की नज़र में औरत की जीनत इतनी बेश कीमती है कि जिसकी ज़कात हिजाब को करार दिया है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, एक आलम दीन थे
बिलखसूस बच्चियों के लिए कि एक आलम दीन के पास एक फिरंगी आता है और सवाल करता है कि आपके मज़हब ने तो औरतों को पस्त कर दिया है, इनके हुकूक़ को इनसे छीन लिया है, इन्हें चार दीवारी में क़ैद कर लिया, औरतों को इतनी इजाज़त नहीं कि वो मर्दों से हाथ मिला सके। तो आलम दीन ने कहा कि क्या तुमने कभी अपनी मुल्क की शहज़ादी से हाथ मिलाया है? वो कहता है कि मेरी मुल्क की मलिका है, हर ऐरा गैरा उससे हाथ नहीं मिला सकता। आलम दीन मुस्कुरा कर कहते हैं कि हम अपने घर की हर औरत को अपनी मलिका जानते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ादारान सैयद शहदा, कनीज़ान फ़ातिमतु ज़हरा, हमें चाहिए कि शहज़ादी की मोहब्बत में हम इस रुकन शरी को, अहकाम शरी को पूरी पाबंदगी के साथ बजा लाए, बिलखसूस वो बच्चियाँ, वो बीबियाँ जो मजलिसों में आती हैं। शहज़ादी ज़ैनब को उनकी बेहिजाबी का पुरसा देती हैं, उनकी चादर का पुरसा देती हैं। उन्हें चाहिए कि शहज़ादी के चादर के सदक़े में अपने इफ़त की हिफाजत करें, अपने पर्दे की हिफाजत करें। अज़ादारान सैयद शहदा, अगर चादर की हकीकी फजीलत को जानना है तो ज़रा शाम गरीबा एक नज़र शहज़ादी ज़ैनब पर कीजिएगा। ये वो बीबी हैं कि जिनकी चादर लुट चुकी है, सुबह से शाम तक बीबी ने जनाजों पर जनाजे देखे हैं, खैमों में आग लग चुकी है, मगर शहज़ादी को इतना चादर का ख्याल है कि अपने भतीजे को जगा कर बीबी ने सवाल किया है। गश्म सैयद सज्जाद हैं, शहज़ादी ने भतीजे का शाना हिलाया है, अजीब सवाल किया, कहा बेटा सज्जाद हमारी चादरें छिन गई हैं, बेटा बताओ हुक्म शरई क्या है? यहाँ शहज़ादी पर मौला सज्जाद की नज़र पड़ी, मुंह से चीख निकली, कहा वाह हिजाबा, कहा फूफी अम्मा जान बचाना लाजिम है, ऐ फूफी अम्मा करबला की रेत को अपने सर पर डालिए, अपने चेहरे पर मलिए और खैमे से बाहर निकल जाए कि जान बचाना लाजिम है। अज़ादारान सैयद शहदा, शहज़ादी ज़ैनब वो हैं कि जिनकी घर की कनीज़ें भी बाहिजाब हैं। न जाने मौला सज्जाद ने वो मंज़र कैसे देखे होंगे कि जहाँ माँ पुपियाँ बेमखना और चादर है। 11 मुहर्रम आ गई है, मेरी शहजादियों को बेकजावा ऊँटों पर सवार किया गया, मौला सज्जाद के हाथ में ऊँटों की महार दी गई, करबला से कूफे की जानिब ये काफिला गया। तारीख लिखती है कि कूफे के बाहर इस काफिले को एक खसर में रुकाया गया। क्या जानते हैं ये किसका खसर है? ये उस कनीस का खसर है कि जिसे कभी मौला हुसैन ने आज़ाद किया था, जिनका नाम शीरीन है। दिल चाहता है कि चंद जुमले शीरीन के हवाले से, कि शीरीन वो कनीस थी कि जो मेरे मौला हुसैन ने जिसकी तरबियत भी की थी और शीरीन को आज़ाद भी किया था। शीरीन का अख्त हुआ, यहाँ मौला हुसैन से रुख्सत होने लगी, दस्ते अदब जोड़ कर कहने लगी कि ये मेरे आखा, मैं आपसे जुदा हो रही हूँ, मगर वादा कीजिए कि एक दिन इस कनीस के यहाँ आप जरूर मेहमान बनेंगे। अज़ादारान सैयद शहदा, मौला हुसैन ने कहा कि ऐ शीरीन, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, मैं घर तो आ जाऊं मगर क्या तुम मुझे पहचान सकोगी? शीरीन कहती है कि मौला बचपन आपके घर में गुजारा है, आपकी इस कनीजी में जिंदगी को गुजार चुकी हूँ, मैं कैसे आपको ना पहचानूंगी? मौला ने जाते वक्त दो वसीयत की थी, ऐ शीरीन जब भी किसी कैदी को देखना तो उनके साथ नेकी करना। फिर मौला ने चंद चादरें शीरीन के हवाले की, कहा ऐ शीरीन इन चादरों को रख ले। शीरीन तड़प गई, कहा मौला इतनी चादरों की मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी? कहा शीरीन मेरी मसलहत है तो इन चादरों को अपने साथ महफूज रखना। अज़ादारान सैयद शहदा, वो दिन था और आज का दिन कि जहाँ अहले बैत अतहार का काफिला शीरीन के खसर में रुका है, शीरीन का इंतज़ार है तो अपने इमाम क़यामत का इंतज़ार है।
रोते हुए दुआ कीजिएगा, आज हम अपने वक्त के इमाम के मुंतजर हैं। वो दिन भी आए कि फर्जंद जहरा, वो यूसुफ जहरा पर्दे गैबत से निकल कर आए, हमारी बेनूर आंखों को नूर बसीरत हासिल हो। यहाँ शीरीन भी अपने वक्त के इमाम का इंतजार कर रही है। अचानक शीरीन ने रात में अजीब ख्वाब देखा, देखा कि आसमान से महमिले नाजिल हो रही है, नूर की सवारियां हैं। एक नखाब पोश नूरानी मुआजमा बीबी आई है, कहती है शीरीन हुसैन का इंतजार कर रही थी, हुसैन तेरे घर मेहमान आ गया है। बस शीरीन ने आंखें खोली, अपने कनीजों को बुलाया, कहा कि आज मैंने एक मुद्दत के बाद एक अजीब ख्वाब देखा है, मौला हुसैन के आने की बशारत मुझे मिली है, जरा बाहर देखना कि क्या मेरे आखा की सवारी आई है। कनीजे दौड़ी, खसर के बाहर देखा, आकर जवाब दिया कि आखाजादी, मौला हुसैन की सवारी तो नहीं आई, हाँ कोई कैदी आए हैं, बागियों की सवारी है, और सालार चाहता है कि रात आपके खसर में गुजारे। मौला हुसैन की बात शीरीन को याद आ गई, क्या शीरीन कैदियों के साथ नेकी करना। बस फिर क्या था, शीरीन ने इजाजत भी दे दी। आजादारुता तारीख लिखती है कि शीरीन ने जब खसर बनाया था तो एक एक हुजरा तैयार किया था, एक मौला हुसैन के नाम से हुजरा मंसूब था, दूसरा मौला अब्बास के नाम से हुजरा मंसूब था, शहजादे अली अकबर के नाम से हुजरा भी मंसूब था। अब शीरीन को इंतजार था तो अपने मौला का इंतजार। मलून इस अहले बैत के काफिले को लिए हुए जब शीरीन के खसर में दाखिल हुए, तारीख लिखती है कि मलून आराम से हुजरे में बैठ गए, अहले बैत अत्थार को वहीं पर खुले मैदान में छोड़कर चले गए, यहाँ नैज़ों को जमीन पे नस्क कर दिया। शीरीन ने जब ये गुर्बत ज़दा मंजर देखा, सबसे पहले कबीले के सरदार के पास गई, काफिले सालार के पास जाकर कहने लगी, मेरे मौला हुसैन चाहते थे कि मैं कैदियों के साथ नेकी करूं, अगर इजाजत है तो मैं कुछ नेकी इनसे कर लूं। फिर क्या था, इजाजत मिली, यहाँ शीरीन कैदियों के करीब आई, कैदियों से अहवाल पुरसी की। अब कैदियों ने कहा, अहले बैत अत्थार कहते हैं कि ए बीबी, एक मुद्दत से हम अपने वारिस पर नहीं रोए, अगर इजाजत हो तो हम अपने वारिसों पर गिरिया कर ले। आजादारों मैंने आसानी से कह दिया, आपने आसानी से सुन लिया, शहजादी जैनब पर क्या गुजरी होगी कि जो बीबी बेमखना शीरीन के सामने बैठी है। अज़ादारा ने सैयद शहदा यहाँ अहले बैत अत्थार ने वाह हुसैना कहा, शीरीन तड़प उठी, कहा इस नाम से गिरिया न करना कि ये मेरे मौला का नाम है। यहाँ दूसरा नाम अहले बैत ने लिया, कहा वाह अब्बास। शीरीन ने फिर टोका, कहा ये मेरे मौला अब्बास का नाम है, खबरदार इस नाम से गिरिया न करना। तीसरा नाम अहले बैत ने लिया, कहा वाह अकबर। शीरीन तड़प उठी, दो जानू होकर बैठ गई, कहा ए काफिले वालों बताओ, ए गुर्बत ज़दा लोगों बताओ, आप कौन हो। शहजादी जैनब ने चेहरे से हाथ हटाया, कहा शीरीन के तुमने अपने मौला हुसैन को न पहचाना, हुसैन ने जिस दुनिया से जाने के बाद भी नौके सेना पर रह के अपने वादे को पूरा किया और तेरे घर मेहमान आए हैं। बस शीरीन ने यह मंजर देखा, बेहोश हो गई, गस्से फाखा पाई, शहजादी को चादर का पुरसा दिया, फिर होश हो गई। मैं दस्ते अदब जोड़ कर कहूंगी, ऐ शीरीन तुमसे जैनब का ये हाल देखा न गया, शहजादी का हाल देखा न गया। मौला सज्जाद के दिल से पूछे कि जिसने इन बीबियों को करबला से कूफा, कूफे से शाम, कभी दरबारों में कभी बाजारों में देखा, यही वजह थी कि किसी ने मेरे मौला से मदीने में सवाल किया था कि मौला बताइए सबसे ज्यादा अजियत कहाँ हुई, तो एक मर्तबा मौला ने कहा था अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मौला शाम में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई
अजब नहीं कि मौला कहे कि हमें उस हबशी गुलाम की तरह ले जाया गया था कि जिसका पूछने वाला कोई न था। जहां अहले बैत का काफिला शाम के बाजार से गया तो तमाम शाम का बाजार में आईना बंदी की गई थी, तमाम शाम के बाजार को आईनों से सजाया गया था। अगर कोई बीबी किसी बीबी के पीछे छिपना भी चाहती थी तो दूर से लोग आईने से उस बीबी का तमाशा देख रहे थे। अल्लाहु अकबर।